गाय घास चल रही है, ऊपर भैंस घास चल रही है, और ये गधे खेल रहे, ओ सॉरी, और ये तेरा नाम क्या है? कुत्तो। भागो भागो बच्चों भागो। वाह फोटोग्राफी लेवल। दोस्तों ये जब फोटो खिंचवाता है ना तो अपनी तरफ से पूरा पूरा पोज देता है, फोटो खिंचवा के पता कैसा लगता है ये दोस्तों ये ये आपको झंडे जो दिख रहे हैं ना सामने, इन सभी झंडों पे लिखा है MSG, मतलब कि मैसेंजर ऑफ गॉड, जो बाबे की जो है वो मूवी आई थी। तो दोस्तों जू का ब्लॉग जो है हम लोग खत्म कर चुके हैं, फिर आगे मैं कुछ ऐड नहीं कर सकता वीडियो में क्योंकि ब्लॉग काफी लंबा हो जाएगा बारिश की वजह से। तो ये मैं अगला ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ, और सबसे जो फेमस यहाँ की चीज है वो है बाबा राम रहीम का आश्रम। जी हाँ दोस्तों आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, बाबा राम रहीम ने यहाँ पे एक पालमपुर में गोपालपुर में आश्रम बनाया, तो वहां पे हम अभी जाके देखेंगे कि आश्रम कैसा है और कैसा मतलब और कितने लोग वहां पे रहते हैं और मतलब क्या क्या होता है आश्रम में। तो आप लोग प्लीज गालियां मत देना या कुछ ऐसा गलत मत सोचना, जो भी बाबा राम रहीम पे आरोप चले हैं उनका केस चला है वो सब कोर्ट का मामला है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं आपको सिर्फ ये दिखाऊंगा कि वो जो आश्रम है वहां पे वो कैसा है और वहां पे लोग क्या करते हैं अभी। तो चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं फिर। चील के घने जंगल है भाई बहुत ज्यादा। चाह के मैं रोटी भी खाई होनी चाहिए, मुझे वीडियो बनाना देता चला। अभी हम एंटर हुए हैं तो देखते हैं अभी अंदर है क्या क्या। वैसे यहाँ पे संगत के लिए तो काफ़ी फैसिलिटीज़ है, कार लाने के लिए पार्किंग है, और यहाँ पे जो भी उस टाइम सत्संग ये भजन जो भी करते थे तो शायद उसके लिए ये स्टॉल जो है वो बनाया है। ये देखो अब इसी बैठ के खाने के लिए दोस्तों। चलो कुछ भी है जो भी है, लेकिन लोग जो है वो किसी के साथ सच्ची आस्था से जुड़े हैं ना, तो लोग तो मतलब अपना 100% दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि लोग भी कुछ गलत कर रहे हैं या ऐसा है, लोग अपनी आस्था से आ रहे हैं और मतलब किसी के प्रति अपना सब कुछ समर्पण कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे खाने में ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग यहाँ पे आके खा रहे हैं या कुछ ऐसा है, तो ऐसा कुछ गलत मत सोचिए आप लोग। खाना जो है वो संगत ने बनाया, जो लोग यहाँ पे सेवा कर रहे हैं उन्होंने बनाया। अगर वो उनको नहीं मानते तो एक वो ऊपर हमारा जो परमात्मा बैठा है ना उसको तो वो मानते, तो उसी भाव से जहाँ पे यहाँ पे जो है वो खाना खिला रहे हैं। तो हम लोग अभी पहले खाना खा फिर देखेंगे कि ऊपर ऐसा क्या बनाया इन्होंने। खाना तो अच्छा है दोस्तों, बस रोटी रोटी है बड़ी थोड़ी। चलो ठीक है, जय हो। लंगर है, ये जो है रसोई घर है, और रसोई घर के साथ ही लंगर खा के आप लोग वहाँ से आ सकते हो, और ये जो अपने बर्तन वगैरह आप लोग यहाँ पे धो सकते हो। और वो जो सामने है वो राम रहीम का रेजिडेंस है, लेकिन जब मैंने इनसे पूछा कि आजकल जो है यहाँ पे संगत होती है, तो इन्होंने मेरे को कहा कि जब से राम रहीम को जेल हुई है तब से यहाँ लोग बहुत कम आते हैं। और ये जो दिख रहा है आपको वाहन यंत्र, इस पे राम रहीम जो है बैठ के आता था। और ये राशन रखने का सामान देख सकते हो आप, जैसे सामने प्याज रखे हैं, गोदाम है मतलब ये। और ये आग जलाने के लिए जो चील के पेड़ों से जो निकलती है उनकी ब्रांचेस उसको सुखा के रखा है इन्होंने। दोस्तों सबसे अच्छी जो चीज मेरे को अभी तक यहाँ लगी है वो देखो, ऊपर जो कलर जो है वो अपना तिरंगे का कलर है, और ये मेरे को चीज जो है वो बहुत अच्छी लगी यहाँ की। कितनी जनसंख्या आ सकती है आपके हिसाब से यहाँ? पालमपुर के नगरी गांव में बना ये डेरा लगभग 200 कनाल का प्लॉट है, जो कि 1992 में बना था। शायद आप लोगों को पता ही होगा कि गैर हिमाचली अपने नाम पर कोई जमीन नहीं ले सकता, तो कांगड़ा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने भी इसे बेनामी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करके सरकार के हाथों सौंपने का ऑर्डर पास किया था, लेकिन मामला जो है अभी भी हायर कोर्ट में पेंडिंग है, और पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से प्रॉपर्टी अभी भी जो है वो डेरा प्रमुख के नाम पर ही है। लेकिन जो कुछ भी है, इस जगह आके आपको काफ़ी सुकून मिलेगा, क्योंकि यहाँ का वातावरण जो है वो एकदम आकर्षण का केंद्र है। ऊपर आके जो है हमारे सेब के बगीचे छोटे छोटे, क्या बात है क्या बात है, जय हिंद। तो ये अंकल जी हैं जो ऊपर जो है यहाँ पे ड्यूटी करते हैं अपनी, ताकि बिल्डिंग के जो आसपास वो कोई ना आए, तो अपनी ड्यूटी ये बहुत अच्छे से निभाते हैं। इन लोगों ने हमें बोला आसपास आपने जो भी फोटो लेनी है वीडियो बनानी है बनाओ, लेकिन बिल्डिंग की कोई आप वीडियो नहीं बनाओगे। कहाँ से आप? राजस्थान संगरिया राजस्थान से। अंकल जी इतनी दूर आके बाबा जी की संगत में सेवा के लिए हाजिर है यहाँ पे। चलो ठीक है अंकल जी,
बाय 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 बाय। ओके जी, ओके, थैंक यू। आप लोगों को ये सामने जो व्यू दिख रहा है, यहाँ पे काफ़ी बड़े लेवल पे फार्मिंग की जाती है ताकि यहाँ पे रहने वाले सेवादारों का खाने पीने का खर्चा निकलता रहे और इससे ये लोग जो है वो अपना रोजगार भी निकाल सके, तो अपने आप में ही एक बहुत अच्छी और काफ़ी बड़ी बात है। तो दोस्तों ये है डेरे का सबसे टॉप का व्यू। बिल्डिंग की वीडियो हम लोग नहीं बना सकते, लेकिन वो सामने हम यहाँ से आए थे तो आप लोग देख सकते हो। अगर कोई आना चाहे तो मोस्ट वेलकम, आओ कोई। मैं इस बात को रिकमेंड नहीं करूंगा आप लोगों को, लेकिन अगर आपका मन है, जैसे कि बाबे की संगत होती है तो उस हिसाब से अगर आप आना चाहोगे तो ज़रूर आओ। और अगर आप घूमने के शौकीन हो, देखो नेचर ऐसी जगह पे आप घूमने के शौकीन हो, तब तो आप डेफिनेटली आओ। क्या बोलते हो? जगह बहुत प्यारी है, जगह तो ऐसे चुन के लिए, मतलब बहुत ही जबरदस्त है जगह। ये आपको झंडे जो दिख रहे हैं ना सामने, इन सभी झंडों पे लिखा है MSG, मतलब कि मैसेंजर ऑफ गॉड, जो बाबे की जो है वो मूवी आई थी। दोस्तों एग्जिट ले रहे हैं हम यहाँ से, तो बहुत अच्छा है अगर आप लोगों ने घूमना यहाँ पे। ये देखो कितना सुंदर पार्क मेंटेन करके रखा है। तो अभी तो चलो खैर संगत उतनी नहीं रही है, लेकिन फिर भी लोग हैं यहाँ पे, लंगर लगाते हैं। तो राम रहीम के डेरे से हम लोग वापिस आ रहे थे, लेकिन हम लोगों को बहुत ही सुंदर व्यू दिखा एक, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना यहाँ पे फोटो शूट कराया जाए। आप लोग खुद देखोगे यहाँ कितना ही सुंदर नज़ारा है यार। ये देखो गाय घास चल रही है, ऊपर भैंस घास चल रही है, और ये गधे खेल रहे, सॉरी, और ये तेरा नाम क्या है? कुत्तो मित्तू। अबू का नाम है मेरा, ओए इन्हें नहीं बोलते तेरा, बोलते आपका। हाँ गुड। घर कहाँ है आपके? घर कुतुन तेरे? हाँ कुतुन दसी दे नगरोटा। ये क्या है लाल बटन? क्या है भाई बाकी सब कुछ सही है ना, थोड़ी देर शक्ल खरी होंगी, मजा आ जाना। हा थोड़ी वाह वाह, फोटोग्राफी लेवल। दोस्तों ये जब फोटो खिंचवाता है ना, तो अपनी तरफ से पूरा पूरा पोज देता है। फोटो खिंचवा के पता कैसा लगता है ये दोस्तों, ये देखा कितनी परफेक्ट। आजा आजा रेस लगा ले, आजा आजा ऊपर को जाना, ऊपर को। दोस्तों देखते कौन जीतता है, 1 2 3। दोस्तों ये तो मेरा आजकल कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, वरना मैं ना अक्षय कुमार से कम नहीं हूँ। अच्छा छोटा सा व्यू ऊपर टॉप का ले लेते हैं। भागो भागो बच्चों, भागो बच्चों, भागो, आ जाओ मेरे पीछे पीछे बच्चों, आ जाओ आ जाओ। ओ भाई, ओ भाई जबरदस्त व्यू है। चलिए ना, क्या है कहूँ ताए हुए, क्या ना है फिल्म फुलमा तू दा सीधी सेल गया ना आ तेरी क्या था प्रिंसी प्रिंस प्रिंसी प्रिंसी तू दा तेरी क्या था है है देसी देसी बंदी है कि शराब है तेरी? अबू अबू तो मैं यार। ओ बंदे तू बंदे फसाई जा रहा तू है। क्या होया? फौजी लगा दे। कौन है? तो मैं फौजी हैं, कमांडो है, कमांडो में कमांड फौजी लग रहा हूँ। अच्छा मैं फौजी हैं, कमांडो है, कमांडो। ठीक है बच्चों, बाय 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 बाय, टाटा टाटा टाटा, बाय अबू, बाय अबू, टाटा टाटा टाटा। बच्चों से ले ली हमने अलविदा, तो अभी हम जाएंगे सीधा मैक्लोडगंज। रात को मैक्लोडगंज रुकेंगे और सुबह प्लान करेंगे एक नए ब्लॉग के लिए। उम्मीद है कि कल बारिश ना हो और हमारा ब्लॉग
काफी अच्छा बन जाए। बाय 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 भैया, चलो बैठो, गुड बाय गुड बाय, फिर मिलेंगे, बाय छोटू, बाय 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 दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। सब्सक्राइब करो, क्या करो, हाँ हिमाचली गला सब्सक्राइब करो दोस्तों, सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, नहीं तो मैं आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं दोस्तों। आए ओके, थैंक यू।